होम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जनासलाके अच्छ उनमे लतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयमरूपकदामयम् ददाति स्वपदान्तिकम् वन्दे अहम् श्री गुरु श्री उत्पदकमलम श्री गुरु न वैष्णवांच श्रीरूप साग्र जा सहगण रघुनाथन भी तम सजीव सावधत पिजन सहित कृष्णचैतन्यम श्रीराधापण लिताश्रीसाखाता नम ओं विष्णुपदा कृष्णपृष्ठा भूतले श्रीमते वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्वीसे शून्यवादी पाशात सरिणे हे कृष्णकुणा सिंधु बंधु जगतपते गोपे गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्तकांशन गौरांगी राधे वृंदाबनेश्वरी ब्रश्युसुते प्रणमा हरिप्रि बांछाकुभ्य कृपा सिंधुभ्यव पति पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैतगदाधरश्रीवाषादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारणम् भूतैरमः इमां पुरो विभुनिरमायस्येते यदमुषपुरुष भुङ्क्ते गुणान् सोडस षोडसात्मकं सोलङ्करशिष्टभगवान् वचन् सिवे सोलङ्करशिष्टभगवा न कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मि प्रणित क्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय हरे कृष्णा <coughs> तो आज दामोदर अष्टकम इसके ऊपर हम जो है चर्चा करेंगे तो ये जो महीना है कार्तिक महीना ये जो है दामोदर भगवान को बहुत ही बहुत प्रिय महीना है और देखा जाए तो जितने भी महीने हालांकि सभी महीने ही भगवान को प्रिय हैं लेकिन जितनी लीलाएं इस महीने में हुई हैं उतनी लीलाएं है भगवान की और किसी महीने के अंदर नहीं हुई आप सभी जानते हैं इसको आप देखेंगे इसके जो है कौन कौन सी लीला हुई उनको थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं एक बार जो है स्मरण कर लेते हैं तो सबसे पहले कौन सी लीला हुई इस भगवान की राश लीला हुई पूर्णमासी को जो है रास पूर्णमा से जो है स्टार्ट होता है और पास में ही है गोवर्धन में भी ठाकुर जी की राश लीला होती रहती है तो रास लीला हुई इसके बाद में जो है फिर कौन सी जो है क्या नाम है दीपावली आती है तो दीपावली को जो है भगवान की दाम बंधन लीला हुई उसके बाद में जो है फिर आपका गोवर्धन लीला आती है हुँ? तो भगवान का जो है गोवर्धन लीला हुआ फिर इसके बाद क्या आता है गोपाष्टमी आती है भगवान की जो है दे? गोप बने जो है और इसके बाद में समाप्त करते करते भी भगवान फिर रास लीला फिर भगवान की जो है पूर्णिमा आती है है, तो उसमें भी जो भगवान की लीला हुई है और भी बहुत सारी कुछ भी रह गई होंगी तो और भी बहुत सारी इसमें लीला है तो ये जो महीना है स्पेशली भगवान को बहुत प्रिय है और ऐसे बोलते हैं दामोदर अष्टकम नाम स्त्रोत्र दामोदर अर्चयन नित्यम दामोदराकर्षी पठे त्य व्रतोदित हरि भक्ति विलास का है दामोदर अष्टकम नाम स्त्रोत्र दामोदर जो स्त्रोत्र है जो सत्य व्रत मुनि के द्वारा लिखा गया है और इसमें आठ श्लोक इस है अर्थात भक्ति के जो आठ सोपान है एक एक श्लोक भक्ति का एक एक सोपान है श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक तो जो है ये आठ ओ है तो इस महीने में जो इस स्तोत्र का गान करता है भगवान दामोदर की अर्चना करता है नित्यम दामोदर करसी तो उससे क्या होता है उसकी अर्चना से और उसके जो है पाठ से भगवान दामोदर उसके प्रति आकर्षित होते हैं और भगवान दामोदर की उनके ऊपर विशेष कृपा होती है राधिका प्रतिमा विप्रा पूजये कार्तिके तुय तुष्यत प्रीत श्रीमान दामोदरो हरि राधिका प्रतिमा विप्रा जो श्रीमती राधा रानी की प्रीति हेतु कार्तिके कार्तिकेतु यह जो उनकी पूजा करता है इस कार्तिक मास में तस्य तो श्रीमती राधा क्या करती है उनसे बहुत प्रसन्न होती है और उनके ऊपर तत्प्रीत्ययी श्रीमान दामोदर हरि और भगवान दामोदर भी क्या करते हैं उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं राधा रानी भी उनसे बहुत प्रसन्न होती है और दामोदर भी बहुत प्रसन्न होते हैं तो इस प्रकार ये जो दामोदर मास है इसको ऊर्ज व्रत भी बोलते हैं राधा रानी का एक नाम है ऊर्जेश्वरी तो इसलिए जो है ये ऊर्ज व्रत है ऊर्जा प्राप्त करना है भक्ति की तो इस मास को करना चाहिए और देखते हैं कि इस मास में बहुत सारे भक्त जो है विशेष करके कुछ अलग अलग अनुष्ठान लेते हैं संकल्प लेते हैं ए, कुछ चौसन माला का कुछ जो है नित्य भागवत का पढ़ने का जैसे अभी पुरुषोत्तम तो मास गया ये दो महीने भक्तों की साधना के लिए बहुत उत्कृष्ट महीने हैं तो जितना है उतना इसमें जो है कलेक्शन कर लेना चाहिए हम लोगों को तो इस प्रकार जो है <coughs> ये जो है क्या नाम है सत्यव्रत मुनि पहले श्लोक में जो है मंगलाचरण कर रहे हैं मंगलाचरण के तीन भाग होते हैं हम सभी जानते हैं नमस्कार वस्तु निर्देशन वस्तु निर्देश और आशीर्वाद तो पहले श्लोक में जो है उनको प्रणाम कर रहे हैं नमस्कार कर रहे हैं क्यों नमस्कार कर रहे हैं तो किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करना ही चाहिए यदि हम भगवान का स्मरण करते हैं तो अवश्य ही उसमें हमें सफलता हासिल होती है इसलिए पहले श्लोक इस में नमस्कार कर रहे हैं तो कैसे नमस्कार कर रहे हैं तो यह आप जो है नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम सत्तकुंडलम गोकुल परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत गोपिया तो नमस्कार कर रहे हैं किसको कर रहे हैं तो भगवान को कर रहे हैं नमामि ईश्वरम ईश्वर को कर रहे हैं ईश्वर का मतलब जो कंट्रोलर है जो हर वस्तु को क्या करके रखा है कंट्रोल करके रखा है भाई जब उस सब वस्तु उनके कंट्रोल में है, है कि नहीं तो वो चाहे तो फिर जो किसी से भी कुछ भी काम करा सकते हैं तो इसलिए सर्वप्रथम जो है भगवान ईश्वर ईश्वर को जो है नमस्कार कर रहे हैं जिसका मतलब कहने का आशय है कि ईश्वर को क्यों नमस्कार कर रहे हैं क्योंकि वो जो ईश्वर है वो क्या है हर वस्तु का जो है कंट्रोलर है हुँ? मालिक है हर वस्तु उसके द्वारा ही जो है कंट्रोल हो रही है सर्वशक्तिमान है इसके जो है क्या नाम है सनातन गोस्वामी और एक्चुअली जो हमने इसमें सनातन गोस्वामी की भी टीका है और विश्वनाथ चक्रवर्ती की भी टीका है दोनों की ही टीका है तो हमने मिक्स लिया है जहाँ जो हमें समझ में आया जल्दी जल्दी उसी में से थोड़ा बहुत कलेक्ट किया ऐसा नहीं सोचना है कि हम सनातन गोस्वामी की टीका से या विश्वनाथ चक्रवर्ती के ठीक है ना तो लिया है दोनों में से ही है किस में से है तो उसको हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे ठीक है ना तो हम केवल इसी से हम बोलेंगे तो यहाँ जो है ईश्वर का मतलब होता है ईश्वर ये शक्तिमान अर्थात शक्ति विशेष को जो है प्रणाम कर रहे हैं हालांकि वास्तव में ही जो शक्तियां हैं भगवान की कोई भी कार्य करने के लिए हमें पहले अपनी योग्यता समझनी चाहिए हम कितने लायक हैं ठीक है ना हमें जो है तुरंत किसी जिसको बोल सकते हैं जैसे कोई बोना आदमी और किसी जो है चंद्रमा को पकड़े तो वो भी उनके लिए ठीक नहीं इसलिए जहाँ तक उसकी पहुँचे उसी तक उसको हाथ फैलाना चाहिए तो इसलिए सर्वप्रथम भगवान को प्रणाम ना करके भगवान की शक्तियों को प्रणाम कर रहे हैं जो तीन प्रकार की भगवान की शक्ति हैं ईश्वर इस शब्द इसके जो है तीन शक्तियों से होता है सर्वशक्तिमान जगदेकनाथ जो जगत के एकमात्र ईश्वर हैं और निज प्रभु जो उनके जो हैं स्वामी हैं मालिक हैं तो इस प्रकार जो है इसमें भक्ति विशेष जो है सूचित हो रहा है मतलब भक्ति के द्वारा पहले क्या कर रहे हैं उनको प्रणाम करके और कुछ मतलब जिसको बोल सकते हैं भगवान की कृपा अर्जित करना चाहते हैं तो कृपा के लिए क्या करना होगा भगवान को अर्चन करते हैं हम पूजा करते हैं जब करते हैं सब किसके लिए इतना सारा कर रहे हैं भगवत आशीर्वाद के लिए तो वो बोलते हैं कि नवामी ईश्वरम हम भगवान को सत्यव्रती मुनि बोलते हैं कि मैं भगवान ईश्वर को नमस्कार करता हूँ ठीक है भाई ईश्वर को नमस्कार करते हो तो ईश्वर कैसा है आप देखे हैं बोला देखा तो नहीं लेकिन मैंने सुना है न, सच्चिदानंद रूपम सच्चिदानंद रूपम उसका स्वरूप कैसा है तो सच्चिदानंद में है सत का मतलब होता है सनातन इटरनल और दूसरा जो है उसके बारे में बोलते हैं सत का मतलब होता है जिसकी सत्ता जो है अखंड है अर्थात जिनकी सत्ता से ही सारे शक्तिमान प्रकट होते हैं हर चीज उन्हीं से प्रकट होता है जितने भी भगवत स्वरूप हैं वो सब इसी से प्रकट होते हैं। अर्थात उनकी सत्ता के बारे में यहां पर बोल रहे हैं कैसे हैं तो जो सारे अवतारों का जो स्रोत है हर वस्तु का जो स्रोत है नमामि स्वरम रूप जो कैसा है सच्चिदानंद घन स्वरूप है और समस्त ईश्वरों का जो मूल है सच्चे सत चित चित का मतलब होता है जो ज्ञान स्वरूप है चेतन स्वरूप है और उसी से सारे जगत के अंदर चेतना आती है भगवान से ही सारे संसार के अंदर चेतना आती है और आनंद है और कैसा है सच्चिदानंद आनंद मतलब आनंद के स्वरूप है तो इस प्रकार जो है रूपम ये उनका ये जो है रूप के बारे में वर्णन कर दिया सचित आनंद रूप है उसका अच्छा तो अभी वो कहाँ मिलेगा मान ली उसको परिचय पूछे भाई एड्रेस पूछे वो कहाँ रहता है तो बोल रहे हैं लसत कुंडले गोकुलजमान यद उसको देखना है प्राप्त करना है तो गोकुल में आना पड़ेगा और वास्तव में भगवान की लीला तो हालांकि हर जगह प्रकट होती है भक्तों के लिए लेकिन ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है कि व्यास जी जब भागवत की रचना कर रहे थे तो उन्होंने जो है बद्रीनाथ में उनकी रचना किया लेकिन जब उनको दसवा स्कंद लिखना हुआ तो उनको फिर वृंदावन में ही आना हुआ तो वृंदावन का एक अलग भाव है इसमें प्रवेश करते ही उसमें जो है वो कृष्ण चेतना से पूरी तरह से आप्लावित होने लगता है तो इसलिए उस भगवान को प्राप्त करने के लिए बोलते हैं वो कहाँ मिलेगा उसका एड्रेस बता रहे हैं तो एड्रेस बता रहे को बोले कहाँ है वो बोला गोकले भ्राजमान वो गोकुल में दौड़ता रहता है भाई गोकुल में दौड़ता क्यों रहता है ये सारा जो है सत्यव्रत मुनि के हृदय में प्रकाशित लीला हो रही है तो वो देख रहे हैं कि जो है जो क्या नाम है जो गोकुलेश्वर है जो इस समय गोकुल में जो है वो क्या नाम है दौड़ लगा रहा है क्यों दौड़ लगा रहा है तो यशोदा भी ओखलात धाव मानव एक कथा उस समय की है उस समय सत्यव्रत मुनि जो है इसकी स्तुति करना प्रारंभ किए हुए हैं आप सभी जो है सुने थे उस दिन हमने बताई थी उखल बंधन लीला में कि भगवान जो है क्या नाम है जब माखन चोरी करते थे तो उससे जो है माता यशोदा को शंका गई और शंका जाने से जो है उन्होंने एक दिन स्वयं दधि मंथन शुरू किया तो मंथन ददी करते करते जो है क्या नाम है। जब दूध दूसरा उफनने के लिए लगा तो माता जब उसको बचाने के लिए गई तो उसी समय भगवान ने क्रोध आ करके ए, देखो मैं स्वयं जो है सारे आनंद का स्रोत हर वस्तु का स्रोत मैं जब हूँ तो मैया को जो है फिर और अन्य वस्तु में मन लगाने की जरूरत क्या थी ए, एक थोड़ा सा जो है एक प्राकृतिक दूध दो, दो पैसे की उसकी वैल्यू नहीं मानी चला भी जाता तो क्या वो था अरे भाई मैं तो हूँ ना तो भगवान को जो है क्रोध आया और क्रोध आकर के उन्होंने क्या किया उसको मटके को जो है उन्होंने तोड़ दिया था जब मटके को तोड़ दिया तो माता जब दूध को बिठा करके वापिस आई तब उन्होंने जो है उसको देखा कि जो है मटका टूटा पड़ा हुआ है और वहाँ जो है दही और जो मक्खन जो थोड़ा बहुत आया था ऊपर वो भी जो है फर्श पर फैला हुआ है तो माता को थोड़ा क्रोध आया हालांकि माता को क्रोध जो है ये बासल्य का क्रोध है और हर गांव घरों में हम देखते हैं बच्चा कोई उत्पात करता है तो माता पिता को थोड़ा क्या नाम है इसलिए क्रोध आता है कि मेरा बच्चा कहीं बिगड़ ना जाए आगे चल करके तो यहाँ भी मैया जो है पूरी तरह से क्योंकि माता का जो बासल्य प्रेम है इतना अगाध है इतना आगाध है कि भगवान कभी कभी अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन भी करते हैं लेकिन वहां जाकर के फेल हो जाता है ब्रज में भगवान का सारा प्रदर्शन फेल हुआ लेकिन वही माता पिता तो जो है नंद वसुदेव भी बने थे उनके अरी, अरी। तो हरे <laughs> तो बसुदेव नंद महाराज भी बने थे लेकिन वहां देखते हैं कि जब भगवान ने कंस कंस का वध किया तो उस समय उन्होंने हालांकि उनका बासल तो उमड़ा था उनको गोदी में बिठाऊं में कृष्ण बलराम को लेकिन वहां पर जो है हुआ क्या था कृष्ण बलराम का बासल उमड़ने के कारण फिर भी उनमें ऐसोर भाव जागृत हुआ जिसके कारण उन्होंने जो है इमेडिएटली उनको जो है अपनी गोदी में नहीं लिया लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि उन्होंने दो बार जो है विश्व रूप का प्रदर्शन भी किया लेकिन मैया को इतना कोई फर्क नहीं पड़ा और अपना ही वो सोचने लगता है जो है क्या मेरा कुछ दिमाग का ही कुछ ऐसा है लगता है कोई जो है भूत प्रेत का वो है मतलब अपने कोई ही दोषारोपण करने लगे लाला के ऊपर उनको ऐसा डाउट नहीं गया तो इसलिए जो है भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा जब उत्पात किए तो मैया उनको थोड़ा सा पनिशमेंट देने के लिए और क्या कि उनको जो है बांध कुछ पनिशमेंट हल्का सा पनिश डांट फटकार करने के लिए पनिशमेंट देने के लिए उनको पकड़ने के लिए दौड़ी तो ये जो है जैसे ही पने दौड़ी तो उस समय भगवान जो है दूसरे भंडार गृह में और उकल पर चढ़ करके जो मटके से मक्खन निकाल रहे थे और बंदरों को खिला रहे थे तो उस समय जो है वो क्या किए थे उसी समय माता को देख करके वो वहाँ से भागे तो उस समय ये जो है वो देख रहे हैं और उसी समय की लीला का वर्णन करते हैं उन भगवान को जो डर से भाग रहे हैं गोकले भ्राज जो गोकुल का सौंदर्य भी है मतलब सौंदर्य को जो प्रक बढ़ाने वाले हैं और वो क्या करें यशोदा भियो भियोलु खलात धाब मानव अर्थात यशोदा के वजह से यशोदा भय उलूखलात धाव मानव ऐसे समझते हैं। अर्थात जो है माता यशोदा के भय से भगवान ओखल से कूद करके भागे क्यों भागे भया, माला, माता के भय से भागे उनको इतना डर गया कि माता मेरे को पकड़ेगी तो क्या करेगी अवश्य ही जो मेरे को पिटाई करेगी पीटेगी तो जिस समय भाग रहे हैं उस समय उनके कुंडल भी क्या कर रहे हैं है? लसत कुंडल यहां बोल रहे हैं तो कुंडल जो है उनके जो है क्या कर रहे हैं दोनों कालों में कपोलों का ए, उनको टच कर रहे हैं तो यहाँ पर जो सनातन गोस्वामी ने ये बात लिखी है कि वो कपोलों का टच तो कर रहे हैं ए, कपोलों का स्पर्श करे भगवान की गालों का स्पर्श कर रहे हैं बड़े आनंद में होकर लेकिन साथ साथ हम बोल रहे हैं कि भगवान के गालों को स्पर्श नहीं भगवान के गालों को चुम्बन कर रहे हैं हरे <laughs> कृष्णा तो इस प्रकार जो है क्या नाम है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो गोकुले भ्राजमानम अर्थात गोकुले भ्राजमानम का यह मतलब दी है जो गोप गोपी गोप बस आदि के निवास है जहाँ स्वाभाविक गोकुल में जो है शोभा विशेष का क्या करते तो उत्कर्ष होता ही रहता है अर्थात ये जो गोकुल है गोप गोपियों से इतना सुशोभित रहता है कि इसकी जो शोभा है वो जो है बैकुंठ को भी मात कर रही है कहने का आशय जैसे ही भगवान इस गोकुल में प्रकट हुए तो उस समय स्वयं लक्ष्मी क्या किया नारायण को छोड़ करके इस गोकुल में आकर के बात करने लग गए थे जयत तेदिकम जयत ते दिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा सस्व दत्री दैत दृश्यता दिछ्युताब का जय तिथे अधिकम जन्म ना ब्रजा इंद्रा सस्व दत्त जो इंद्रा है जो लक्ष्मी जी है परमानेंट आकर के जो है इसमें आकर के बात करने लग गई हैं तो इसलिए इस गोकल का जो उत्कर्ष है भ्राज मानव इसका जो सौंदर्य है क्या है अपने आप में जो है अलौकिक हो गया है अर्थात बैकुंठ को भी अपने ऐश्वर्य से अपने सौंदर्य से जो है बैकुंठ को भी मात कर रहा है और उस 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 गोकुल में भगवान क्या कर रहे हैं माता यशोदा के वह से दौड़ लगा रहे हैं कई माता पकड़ ले चलो पकड़ ले तो भी कोई बात नहीं है लेकिन उनको भय है कि फिर उसके बाद में मारे नहीं तो परामृष्ट मत्यं ततो गोप्या परम परा, अत्यं ततो द्रुत्य गोप्या परामृष्ट कर दिए अत्यं ततो द्रुत्य कृष्ण से अधिक तेज दौड़ करके गोप्या यशोदा मैया ने हालांकि यशोदा मैया वैसे कृष्ण से तेज नहीं दौड़ सकती है क्योंकि उनका शरीर ही उनके जो है एक तो दौड़ में बाधा दे रहा था फिर उनका जो है क्या नाम है अपना श्रृंगार किए थे वो भी जो है उथल पुथल हो रहा था इधर उधर बिखर रहा था तो इसलिए कई सारी जो है उनको वो हो रही थी और थोड़ा दौड़ते दौड़ते थोड़ा उनको थकान भी होने लग गई थी तो पहले ही वो शुरू से ही जो है मंथन कर रही थी दधि मंथन में तो आप समझ सकते कितना वो होता है तो इसलिए माता का जो है वो सौंदर्य और उनका वो लेकिन भगवान माता के अखत प्रयास से हालांकि पकड़ने में माता को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा पसीने से लथपथ हो गई माता पूरा शरीर लेकिन उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा और ये प्रयास ही है, क्योंकि समस्याएं आएंगी संसार में कोई भी ऐसा स्थान नहीं संसार में जहां समस्याओं से आप लाभित न हो हर जगह समस्या पे समस्या हटी हुई है लेकिन समस्याओं को देख करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदार्पण करते रहेंगे घूमते रहेंगे तो घूमना तो होगा भ्रमण तो हो जाएगा लेकिन जो हमारा असली उद्देश्य असली लक्ष्य है हो सकता है कि उससे हम वंचित तो हो जाए तो इसलिए यहाँ पर परामृष्ट अत्यंतोद्रुत्य गोप्या परामृष्ट है जो सारे संसार को जो है अपने बस में करा करके रखा हुआ है बड़े बड़े धावकों को जो पछाड़ सकता है लेकिन आज वो किसके द्वारा मतलब परास्त हुआ तो गोप्या उस गोपी के द्वारा अर्थात यशोदा मैया के जो है उसके द्वारा उनको क्या कर दिए गए परास्त कर दिए गए तो यहां पर जो है सनातन गोस्वामी एक बात लिखे हैं, बता रहे हैं इसमें भगवान के रूप सौंदर्य का वैशिष्ट है और वास्तविक देखा जाए तो भगवान की कुछ लीलाएं ऐसी हैं कि इस सबके पल्ले नहीं पड़ती है क्योंकि ये जो लीला है केवल भक्त ही इनमें आनंद लेते हैं और इस बात को जो है ज्ञानी हैं कर्मी हैं योगी हैं उनको यदि कहा जाए तो वो उनको जो है ये बात ठीक नहीं लगेगी तो इसलिए वो कभी भी जो है ऐसे भगवान के चक्कर में नहीं पढ़ते तो इसलिए यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि उनके सौंदर्य का विशेष है बहिर्मुख जीवों पर दया करने हेतु तथा ब्रज प्रेम देने के लिए श्री कृष्ण ने अपने नव किशोर नटवर का रूप को प्रकट किया है और ये जो रूप है ये समस्त समस्त रूपों का मूल है आगार है स्रोत है सारे रूप इसी से जो है प्रकट होते हैं ये इसी रूप से समस्त अवतार प्रकाशित होते हैं ये जो है सनातन गोस्वामी इसमें जो है बता रहे हैं तो इस प्रकार जो है उन भगवान को जो है क्या नाम सत्यव्रत मुनि नमस्कार कर रहे हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं है? और जो सबके कंट्रोल हैं जिनके कानों पर सुंदर दो बालियां हैं कुंडल हैं जो क्या कर रही हैं झिलमिल कर रहे हैं है? या उनके जो है कानों का गालों का कपोलों का चुमन कर रहे हैं और वो ईश्वर है जो कंट्रोल था अभी सुने थे हम जो है सभी का वो था वो ईश्वर जो है डर से माता के डर से और गोकुल की गलियों में क्या कर रहा है भाग रहा है उसी का मैं जो है प्रणाम करता हूं उसी का मैं ध्यान करता हूं, स्वर का कर रहा हूं जो भी है आगे बोलते हैं अब उनकी लीलाओं को क्योंकि ब्रज जैसे दो प्रकार की लीला होती है, है? दो प्रकार की उपासना है एक मंत्रोपासना और दूसरे स्वरस्य की उपासना ठीक है ना तो मंत्रो उपासना में क्या है कि जिस लीला का आप दर्शन करना चाहते हो उसी मंत्र का अनुष्ठान करना पड़ेगा तो वो लीला नित्य आपके उसमें स्फुटित होती रहेगी केवल सेम वही ही लीला लेकिन स्वारस्य की जो उपासना है और स्पेशल इस ब्रज में ही देखने के लिए प्राय मिलती है और ए उपासना में क्या होता है भक्त के हृदय के अंदर भगवान की एक ही लीला स्फूर्त नहीं होती है भगवान की अन्य अन्य लीला भी उसी प्रकार स्फूर्त होती हैं, जैसे हम माला पे जप करते हैं टक 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 करके फट 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 करके ए? एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा तीसरे के बाद चौथा ऐसे भगवान की ए? एक स्थान पर ही कोने में किसी भी कोने में जा करके आप और वैसे देखा जाता है कि जिस जिस लीला का अनुष्ठान करना है उसी लीला स्थान पर जा करके जो है उसका अनुष्ठान करना होता है लेकिन ब्रज धाम एक ऐसा धाम है जहाँ जो है भगवान की कोई भी लीला और किसी भी स्थान पर जो है अनुष्ठान की जा सकती है और वहीं भगवान की अनंत लीलाओं का वो दर्शन कर सकता है ये केवल सुविधा इस ब्रज धाम के अंदर ही उपलब्ध है तो इसलिए उनके जो है हृदय में सत्यव्रत मुनि के हृदय में भगवान की वो लीला हुई अब थोड़ी सी वो लीला आगे बढ़ गई है तो अब क्या देख रहे हैं वो वो भगवान कैसे हैं वो जो ईश्वर अभी अभी जो थे वो क्या कर रहे हैं तो रुदंतम मुहुर् नेत्रुगम मृजंतम कराम भोज युग न शांत मुहुश्वास कंपत्र काम कंठ स्थित ग्री बदामो भक्ति बद्धम तो रोदंतम भगवान जो है क्या कर रहे हैं जिस समय माता ने उनको पकड़ा तो जब बच्चे लोगों को कब कोई गलती कर दें और फिर पकड़ में आ जाए तो उनका एक अस्त्र सबसे पहले चालू होता है ओ है रोना तो भगवान भी ओ अस्त्र चालू किए फर्स्ट वो अस्त्र छोड़ा और उससे वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं उससे सिद्ध करना चाहते हैं बच्चे लोग रो करके दिखाना चाहते हैं कि बहुत डर गया है अब इसको जो है मतलब पीटना नहीं चाहिए बहुत भयभीत है इसलिए मेरा रोना देख करके माता पिता को दया आएगी अरे भाई कोई भी काम करने के लिए जैसे पृथ्वी माता है जब अत्याचार से असुरों के उससे जो है बहुत ज़्यादा संतप्त होने लगी तो वो जो है क्या भगवान के पास में गई देवताओं को ले ले के तो वहाँ जा करके के पहले क्या की वो रोने लगी हुं? क्यों रोने लगी क्योंकि उनका जो है रोने से क्या है कि हृदय का जो है स्वाभाविक ही परिवर्तन हो जाता है कठोर व्यक्ति भी जो है उसका परिवर्तन हो जाता तो इसलिए माता को मानो भगवान रो करके ये दिखाना चाहते हैं कि मैया देख मैं रो रहा हूँ तेरा हृदय जो है परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसलिए मानना नहीं मुझे प्लीज है और मैं वचन देता हूँ मैं आगे ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगा बस हो गई हो गई लेकिन आंदा नहीं करूँगा और उनको मालूम क्यों भगवान को मालूम है मैं गलती करूँगा ही करूँगा लेकिन मैया को ये समझा देना चाहते रो करके कि मैं ऐसा नहीं करूँगा रुदंतम रो रहे हैं हिलके मार करके रो रहे हैं और रोदंतम मुहूर् नेत्र युगम मृजंतम कराम भोज युग में न भगवान क्या कर रहे हैं रो भी रहे कभी कभी बड़ा आश्चर्य भी होता है कभी कभी हंसी भी आती है इस बात पर कोई कहेगा कभी भगवान रो रहे हैं तो कोई क्या सोचेगा कि भाई भगवान रो रहे हैं <laughs> भगवान आपका कैसा भगवान है लेकिन यहाँ क्या नाम है बोलते ना असंभव एक जैसा दूसरा शब्द है संस्कृत का यहाँ मतलब सब कुछ संभव है इधर जो भी हो रहा है हर वस्तु इस वृद्धाम में संभव है तो मुहो नेत्र रुदंतम पहले तो बात ये बता रहे हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं माता को देख करके माता की छड़ी को देख करके भगवान क्या कर रहे हैं रोना शुरू कर दिए क्योंकि उनको लग रहा था कि रोने से माता क्या करेगी छोड़ देगी मेरे को और युगम नेत्र मृजंत मुहु दोनों नेत्रों को भगवान क्या कर रहे हैं कराम भोज युगमे न अपने दोनों कर कमलों से और मृजंत मतलब वो क्या कर रहे हैं मल रहे हैं अर्थात रगड़ रहे हैं जैसे बच्चे क्योंकि लीलाई कुछ ऐसी है इसलिए हमको इस पर फोकस करना पड़ेगा जैसे हम साधन बच्चों को देखते हैं तभी हम भगवान की लीलाओं को समझ पाएंगे केवल हम जो है सैर के उसमें रह करके और भगवत कृष्ण की लीलाओं को समझना चाहेंगे तो बिल्कुल असंभव है तो इसलिए यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि मैया ने जो है जब उनको पकड़ा तो भगवान क्या कर रहे हैं रो रहे हैं और बच्चे ऐसे ही रोते हैं आप देखेंगे गांवों में ए, जब माँ पकड़ती है तो कभी कभी जो है बच्चे क्या करते हैं बिल्कुल आंख मल मल करके आंखों को बिल्कुल लाल कर लेते हैं मल मल करके और क्या नाम है हिलकी मार मार करके वो रोने लगते हैं तो भगवान भी ठीक ऐसे ही रो रहे हैं अब रोने से भगवान एक तो मैया ने जो है उनकी आंख पर मोटा मोटा काजल लगाया तो आप लोग सब समझ सकते हैं कि गाँवों में क्या करती हैं जैसे हम अपना बताते हैं कि हम भी इस ब्रज के पास गई है

उल्टा उसको डालती थी और उस पर थोड़ा कड़वा तेल डालती थी और कड़वा तेल करके और क्या करती थी? उसकी कलाई को जो काजल जो है ना उसको थोड़ा सा क्या करती सॉफ्ट कर लेती और एक तो आप समझ सकते हैं कि कड़वा तेल यदि आंखों में वैसे आप नाक में कभी लगाते हैं तो पूरा जला करके रख देता है एक नहीं फिर आंख में और एक तो वो जो है काजल जो है अपने आप में गर्म है और वो कलाई है वो भी कोई मतलब अच्छी चीज नहीं और जो है तेल भी जो है उसमें मिक्स कर देते हैं और फिर माता कैसे लगाती हैं हल्के हाथ से नहीं ऐसा नहीं कि हम लोग केवल दिखाने के लिए ऊपर पलकों पर लगा लेते हैं जैसा आजकल आज डेकोरेशन किया जाता है इतना जोर से पहले तो गोदी बिठाएंगे और लिटा लेंगी उसको बड़ी जबरदस्त पकड़ करके रख देंगे और फिर क्या करेंगी मोटा मोटा काजल इधर से इधर से रगड़ा मारेंगी तो बेचारे का जो कभी कभी तो बच्चे पिसाव कर देते हैं <laughs> ये मतलब उस प्रकार वास्तव में देखा जाए ये ऐसा ऐसा ही होता है ऐसा होता है इस सब एक क्योंकि हमको उसी भाव में इन लीलाओं को समझने के उसी भाव में जाना होगा तो ऐसा ही होता है कि भगवान जो है क्या कर रहे हैं आंखों को मसल रहे हैं कराम भोज जो युगमिन क्यों मसल रहे हैं सात अंक नेत्र आतंक मतलब उनको बहुत भय लग रहा है तो भय से जो है भगवान के नेत्र घबरा रहे हैं जैसे भयभीत तो व्यक्ति होता है तो उसकी आंखों से मालूम चल जाता है आंखों से मालूम चलता है जैसे किसी कहते हैं ना चेहरा ही शरीर का एक दर्पण होता है चेहरे को देख करके मालूम चलता है कि ये कृपा करेगा या नहीं करेगा <laughs> ये नॉर्मल मूड में है या जो है थोड़ा गुस्से के मूड में है तो ऐसे ही जो है यहाँ पर शांत तक नेत्रम भगवान क्या है जो है उनके नेत्र भय से क्या हो रहे हैं आतंकित हो रहे हैं मतलब इधर-उधर घूम रहे हैं और कभी कुछ आचार्यों का ऐसे मैंने सुना था क्यों नेत्र हो रहे हैं तो सोच रहे थे कहीं जो है क्योंकि इस लीला को थोड़ा सा थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ और नहीं तो फिर हम आगे चल करके बढ़ाएंगे तो इसलिए मतलब वो, वो कर रहे हैं क्योंकि वो इस बात को देखना चाह रहे कि भाई कोई तो मेरे को आए जो मेरे को आकर के बचा ले होता है ना कभी कभी जब मार पड़ती है तो देखते हैं कि कभी जैसे पिता मारेगा तो माता के लिए माता नजदीक है तो दौड़ करके आ जाए या माता कभी मारती तो पिता को दौड़ दौड़ मतलब उनके लिए वो उन देखते हैं तो ऐसे ही भगवान जो हैं आतंक मतलब उनको बहुत वो हो रहा है मतलब तो भय हो रहा है और इसलिए उनके नेत्र भी चंचल हो रहे हैं इधर उधर देख रहे हैं तो मान लो भगवान ये देखना चाहते हैं कि इस समय दाऊजी आ होता तो दाऊजी अवश्य बचा लेता या माता रोहिणी होती तो निश्चित रूप से मेरे को बचा लेते तो ऐसे मानो भगवान इधर उधर देख रहे हो तो ऐसे जो भगवान हैं परामृष्ट क्या नाम है और मुहु नेत्र युगम शांतक नेत्र मुहू स्वास कंप त्रिरेखा का कंठ भगवान के जो है श्वास कंप त्रिरेखा कंठ जो त्रिरेख कंठ है जिसके भगवान के कंठ में जो तीन रेखा हैं है, वो वो क्या हो रहा है कंपायमान हो रहा है मतलब हिलकी ले ले करके वो रो रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है पूरा हिल रहा है और मुहू श्वास है जोर जोर से बच्चे लोग सांस लेते हैं जिससे कि घबरा करके जो है <laughs> कोई जो है और अधिक एक्शन ना ले तो इसलिए भगवान भी मुँह सांस बार 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 जोर जोर से सांस ले स्थित ग्रे त्रिरेखा कंठ स्थित ग्रेव दामोदरम भक्ति भक्तिबद्ध है तो वो जो दामोदर जो तीन तीन की जो है क्या नाम है जिनके गले में मणियों की माला है त्रिरेखा है ऐसी जिनकी ग्रीवा है जो देखने में बहुत सुंदर है ओ दामोदर भक्ति बद्धम। ओ की, क्या किये? भक्ति के द्वारा और रस्सी से माता ने क्या किए उधर में उनको बांध दिया उधर से रस्सी से रस्सी को उधर में बांधा उधर को जो है उकल से बांध दिया दामोदर मतलब उनको बांध दिया भक्ति बद्धम तो यहाँ पर जो है भक्ति के बारे में जो है बताया कि वास्तव में भगवान आसानी से नहीं बचते जैसे अलग अलग संप्र भक्ति का मतलब जैसे बताए हैं कि एक तो हमारा प्रयास और दूसरा भगवान की कृपा ठीक है ना आप रामानुजाचार्य की जो है संप्रदाय में वहाँ एक आप देखेंगे एक दो नियम हैं एक तो जो है क्या ना माजार न्याय और दूसरा मरकट न्याय आप पढ़े होंगे शायद <laughs> तो माजा न्याय का मतलब होता है बिल्ली का अपने बच्चे को पकड़ना और मरकट का होता है बच्चे का अपनी माँ को पकड़ना हाँ बंदर जो है बच्चा जो है बंदर का बच्चा वो अपनी माँ को पकड़ता है तो इसमें जो है सबसे ज्यादा खतरा किसको रहता है मरकट न्याय में मरकट उसमें रहता है तो इसमें क्या होता है कि बच्चा प्रयास कर रहा है पकड़ने का लेकिन कभी कभी माता है, जो है बंदरी कभी कभी उसको लंबी जंप करनी होती है तो उससे क्या होता है बच्चा कभी कभी खुशल करके नीचे गिर जाता है ठीक है ना तो मां फिर उसकी केयर नहीं करती मां उसको छोड़ के चली जाती है तो ऐसे ही जो है ये जो न्या, इस न्याय के अनुसार बताना चाह रहे हैं कि यद हम अपने प्रयास से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो इसमें हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तो इसलिए वहां उन्होंने कहा है कि जो हमारी जो संप्रदाय है हमें जो है दोनों ही इसमें से लिए जिसमें बोलते हैं और दो नियम है ये है बड़गलई न्याय और तेंगलई न्याय इसके अलावा दो और है तो इसमें जो है क्या बोलते हैं अर्थात इसमें जो बलगले न्याय है इसमें क्या करना होगा अपना प्रयास तो करना होगा है? जैसे बच्चे ने प्रयास किया तो बच्चा प्रयास कर रहा है पकड़ा हुआ है लेकिन साथ साथ में माता उसको सहारा दे देती है, है तो फिर कितना सुरक्षित हो जाता है तो ठीक ऐसे ही हमारी जो संप्रदाय है उसमें जो है दोनों ही न्यायों को लिया गया है अर्थात हमें अपना प्रयास भी करना होगा और साथ साथ में तें्याय अर्थात प्रभु की कृपा पर मतलब आश्रित भी रहना होगा और माता ने यही जो है क्या नाम जब ये दो प्रयास अपना प्रयास भगवत कृपा जब ये दोनों मिलती हैं तो जो दो अंगुल जो रस्सी है, है कम पड़ रही थी वो क्या होती है उसकी पूर्ति हो जाती है और फिर भगवान जो है बन जाते तो इस प्रकार जो है भगवान को क्या किए भगवान को जो है भक्ति से माता ने रस्सी से नहीं बांधे भक्ति भाजा है माता ने उत्कृष्ट बासल प्रेम है माता में है एक बार जो है इसी समय की बात है इसी जो है लीला जब हो रही थी क्योंकि उस दिन माता जो है रोहिणी बलराम को लेकर के उपनंद के घर चली गई थी और सब गोप गोपी सब व्यस्त थे गोप ग्वाले वाले भी जो है अपने उनके बच्चे सहपाठी वो भी थे लेकिन जब ये लीला हुई पूरे ब्रज में जो है भगवान घूम गए तो उसी समय क्या हुआ सब वहाँ आए वापिस आए उनके सुवल स्रोदाम श्रीदाम वो भी आ गए माता रोहिणी भी आ गई वो भी आ गए है तो पहले जो है क्या नाम है बच्चे लोग आए तो बच्चे ने देखा बलराम भी थे तो उनको बंधा हुआ देखा तो जो है बलराम किया वो तो अनंत तो हैं शेष उनकी आंखें तो लाल हो गई फुपकार मानने लगे हुँ? किसने किया है? है मैं उसको बताता हूं अभी मैं सबक सिखाता हूँ तो बहुत लंबी लंबी हाँक रहे थे जैसे कभी कभी होता है जब कोई नहीं है तो हमें शेर है लेकिन जब सवा शेर आता है तो फिर फिर वो शेर भी नहीं रहता फिर लोड़ा करके मेरे जैसे डैया पे आ जाता है तो हुआ ये था कि बलराम जी बहुत लंबी लंबी बात कर रहे थे तो उसी समय माता ने सुना गर्जन तर्जन कर रहे थे वो तो बड़ा है मैं ऐसे कर दूंगा वो कर दूंगा कौन है ऐसे बांधने वाला वो जानते नहीं तो उनकी माता दौड़ करके बोला किसने बांधा है भैया ने कही मैंने बांधा है अच्छा तूने बांधा तू जानती नहीं कौन है बोला नहीं मैं तो नहीं जानती कौन है ये तो मेरा लाला है बोला तुझे मालूम नहीं तेरा लाला है अरे सारे अवतारों का ये ही स्रोत है सारे अनंत राम नरसिंह ब्राह मस इसी से प्रकट होते हैं बोला अच्छा ये तो मुझे मालूम नहीं था और तू मेरे को नहीं जानते बोला मैं भी नहीं जानती तू कौन है बोला मैं अनंत हूँ सारे ब्रह्मांडों को मैं अपने सर पर धारण किया हूँ बोला अच्छा तब तो, है इसको मैं पने जो है तुमने बांधा क्यों तो मैया को क्रोध है बला बताँग, अभी बताँग क्यों तो मैया ने जैसे जो है वो उठाई सीटी और मैया ने कहा हुँ? सारे अवतार जो है मेरे घर में भर पड़े अरे तुम्हें कहीं अन्य ठिकाना नहीं मिला और जैसे ही जैसे ही लकड़ी लेकर के माता दौड़ी बलराम जी वहां से भागे उनका सारा गुस्सा जमीन पर आ गया तो कहने का आशय है कि मैया का जो नाम सुने किसने जब चल मतलब लंबी चौड़ी बात कर रहे तो बच्चों ने किया बता दिया मैया ने बांधा है तो उसी समय बलराम का पारा तो आधा उतर गया मैया ने बांधा है तो भाई इसको बना दो अब मैं खोल नहीं सकता नहीं <laughs> तो एक बार बंधे थे मतलब बड़े थे आगे इसको खोल दो मैं जाकर के लेकिन जैसे ही उनको मालूम चला कि मैया ने बांधा है तो फिर वो हल्के पड़े क्योंकि जो भगवान के प्रति सखा भाव है बलराम का और बासल्य ऊपर है तो इसलिए भारी है बासले जो प्रेम है, वो सका से है तो इसलिए जो बासल्य वाला कभी भी जो है क्या नाम है सॉरी जो सखा वाला कभी भी जो है और उनकी इतनी पहुंच नहीं है कि बासल्य भाव को प्राप्त करे इसलिए जो रस्सी बांधी तो खोल नहीं सका लेकिन बासल्य का सखा के लिए काम कर सकता है यदि कोई बड़ा व्यक्ति आ जाता था मातृभा के पिताजी आ जाते उनके कोई आ जाती तो खोल देता वो पूछता भी नहीं मैया ने बांधा किसी ने नो केयर न कोई प्रॉब्लम नहीं उसको खोल देता था लेकिन यहाँ बलराम जी ने खोले ने और खोल करके जो है वो किए तो इस प्रकार भाजम तो बात ये बात बता रहे हैं कि जो है भक्ति से ही भगवान को बांधा जाता जा सकता है तो हो सकता है कि प्रभु जी हम थोड़ा दो तीन जितना भी है उतना बढ़ेंगे बाकी हरी राम भरोसे कभी होगा तो आगे करेंगे नहीं तो और भी कर सकते हैं बाकी, होगा। <laughs> बाकी जब होगा जब जब कभी आएंगे तो फिर आएंगे जितना होगा कर सकते हैं और क्या नहीं हालांकि वैसे भी मुझे याद नहीं है बाकी तो बोल तो हम देंगे लेकिन जो हम जल्दीबाजी करेंगे तो फिर क्या होता है कि हमारा भी जो है थोड़ा बैलेंस गड़बड़ा जाता है तो हम जो है कहीं से कहीं फिर छलांग लगाते हैं तो फिर उसमें एक वो नहीं हो सकता हाँ उतना है तो इस प्रकार जो है भक्ति बद्धम दामोदरम ओ भगवान माता की प्रेम रूपी रस्सी से बंध गए थे और जो प्रेम की जो रस्सी है, है उसकी काट किसी के ऊपर नहीं है अन्य रस्सियों की तो काट है उसको तो काट सकते कैची से काट सकते फट तो नहीं कर जाएगी लेकिन जो प्रेम की जो रस्सी है वो किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं कटती है तो इति दृश्य लीला भीरानंद कुंडे स्वघोषं निवंजंत माख्या पयंतं तदीये सितग्गे सुभक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्त्वं सतावृत्ति वंदे पुनः प्रेम ततहते सता वृत्ति बंदे ए, क्या नाम है ना? सत्यव्रत मुनि जो है भगवान को वृत्ति बंदे मतलब बोलते हैं एक बार नहीं सैकड़ों बार मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ ये वास्तव में ये भक्ति का कुछ ऐसा ही वो है ए, उसमें व्यक्ति पागल हो जाते जैसे पागल में और उन्नत भक्तों में कोई अंतर नहीं हो दोनों सेम एक ही लेवल पर रहते हैं तो पागल व्यक्ति को जैसे कुछ मालूम नहीं चलता है वैसे ही जो है भक्ति में जो उन्नत हैं, वो भी कभी कभी एक एक बात को दस दस बार कर देते हैं कई बार भूल जाते हैं उनको माल भी नहीं चलता कितनी बार बोल हैं। तो इस प्रकार जो है तद इति द्रक, इति दृ इस प्रकार जो भगवान की जो लीला हुई है इस इति दृ मतलब ये बंधन लीला भगवान की और इसके साथ साथ में भगवान की क्या है और भी बहुत सारी लीला हुई हैं जैसे चोरी की लीला है भगवान की जो है और क्या नाम है अनेक प्रकार की जो भगवान की बाल लीला है माखन चोरी है किंकड़ी जो है भगवान की जो है क्या नाम वो भी लीला है और कितनी कितनी सारी जो है लीला हुई है मृदु भक्षण है, दिला। है दिला। लीला है, तो ये द्र स्व लीला भी भगवान के ये जो लीला है क्या कर रही हैं इतिद्र स्व लीला भी आनंद कुंडे ये किसके समान है आनंद के कुंड के समान है जिसमें जब घुस जाओ बास है है, आनंद, आनंदम अम्बुद बर्दनम प्रतिपदम पूर्णमृत स्वादनम इससे क्या होता है कि आनंद का जो है हर समय वर्दन होता ही रहता है यानी भगवान की जो ब्रज की लीला है हालांकि भगवान के अन्य अवतार भी बहुत सारी लीला की है लेकिन जितना रस भगवान श्री कृष्ण की लीला में है और दूसरी किसी भी लीला में नहीं एक दो एक दो लीला भगवान की हम बता देते हैं एक बार मैया ने जो है लाला से कहा कि लाला जा तू बछड़ा को लेकर के आ जा उसकी पूजा करनी होगी तो कन्हैया जो है छोटे से बछड़े को लेकर के आ रहे थे लेकिन बछड़ा भी जो है बार बार पीछा करके उसके खड़ा हो जाता वो आगे नहीं बढ़ रहा है तो भगवान जो उसको बहुत खींचने का लेकिन वो बार बार मुंह टेढ़ा करके और पीट, पीट, पूछ करके उनके पीछे जो है उनके सामने खड़ा हो जाता है तो जैसे तैसे भगवान उसको खींच खाच करके और उसमें घर के आ, उसके अंदर ले करके गए लेकिन उन्होंने देखा कि माता तो है नहीं तो उनको मक्खन पर जो है उनकी नजर पड़ी तो मक्खन पर नजर पड़ी तो उन्होंने देखा कि माता है नहीं तो उन्होंने क्या किया उस तो बछड़े को उसके नीचे खड़ा करके उसके ऊपर चढ़ करके मक्खन खाने लगे तो मक्खन खाने लगे तो हुआ क्या था हुआ ये था कि बछड़ा नीचे से निकल गया <laughs> तो रह गए। रोने लगे चिल्लाने लगे माता सोच रही है भाई वो लाला कहाँ गया अभी तक बछड़ा लेके नहीं है लेकिन वहां वो एक हाथ से पकड़े थे तो ये एकाशित मक्खन था अब तो जो इतनी हिम्मत नहीं का वो पकड़ के दूसरा भी उसको लगा ले अब छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और मतलब उसको सहन भी नहीं कर पा रहे तो जोर जोर से रोने लगे तो मैया ने देखा कि बछड़ा ये तो बछड़ा लेने के लिए यहाँ क्या कर रहा है, है? तो मैया ने पहले उसको लेकर के उतारा है उतार करके जो है फिर भगवान ने कुछ क्यों भगवान की छवि इतनी सुंदर है इतनी सुंदर है कि माँ को क्रोध तो आता है कभी कभी लेकिन वो ऐसी भोली भाली शकल बना लेते हैं कि माँ का पूरा टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाता है माइनस में चला जाता है तो वहां भी माता को गुस्सा है कि इसको मैंने बछड़ा लाने के लिए कहा था पे कब चढ़ गया है? तो इसलिए गुस्सा आया लेकिन माँ ने जब देखा तो फिर उनको अपने बच्चर से लगा दिया और एक बार जो है क्या नाम है उनको कहा था जा फूल लेकर क्या तो दोनों भाई कृष्ण बलराम जो है फूल लेने के लिए चले गए तो जो बागान था फूल का बागान था थोड़ी सी क्योंकि उसकी बाउंड्री किए हुए थे मतलब यहां भी जो है उसके लकड़ी क्या नाम है जो झाड़ है, है जो कांटेदार झाड़ होते हैं उनको काट करके कभी कभी क्या करते हैं सुखा देते हैं और उसको जो है बाउंड्री करने के लिए जैसे कोई पशु ना आए उसकी उसमें तो उनको लगाते हैं भी अभी भी जो है गांवों में ये प्रथा आपको देखने के लिए मिलती है तो सेम चीज़ यहाँ भी है यहाँ भी जो है क्या किए थे उस बागान में कोई जाए नहीं नुकसान न पहुंचाए तो इसलिए झाड़ियों से वो किया था तो माता ने क्या किया था उस झाड़ी को थोड़ा एक साइड में करके और उनको अंदर प्रवेश करा दिया था फूल लेने के लिए बोला जा जा करके आओ बाद में हम ढक देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं अब दोनों गए दोनों जा कर के जो है फूल तोड़े अब फूल तोड़ करके अब जैसे आने के लिए तो अचानक वो झाड़ी बंद हो गई अब झाड़ी बंद हो गई तो अब जो है अब कौन उठाए उस झाड़ी को जो है अब तो कुछ जो है उनका बस नहीं चला अब दोनों बैठ करके जोर जोर से रोने लगे ओ मैया 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 ने देखा भाई क्या बात है इनको को तुम्हें फूल लेने के लिए देखा तो दोनों बैठ करके वहाँ रो रहे हैं तो इस प्रकार भगवान की आनंद कुट कितनी सारी लीला है एक दो बता दें चलो यही हम समाप्त कर देंगे एक लीला पांच मिनट के लिए समाप्त कर देते हैं तो बात उस समय की है एक दिन जो है मैया मैया ने सोचा क्योंकि संध्या का समय हो गया और संध्या के समय ब्रजवासी गण जमुना पूजा के लिए जाते हैं तो ये प्रत्येक दिन का जो है उनका ये वो था कि हर बच्चा बच्चा मतलब बड़े बूढ़े सब स्त्रियां हजार काम छोड़ करके संध्या के समय काम धंधे से निवृत्त होकर के दोपहर का काम समाप्त करके फिर संध्या के समय वो फिर क्योंकि फिर जो है संध्या का मतलब सूर्य अस्त नहीं सूर्य अस्त होने के लिए जा रहा है उस समय थोड़ा क्या रहता है फ्री रहती हैं क्योंकि दिन में कुकिंग करना और सब करके फ्री हो जाती हैं तो लगभग चार पाँच बजे के समय में उनको पाँच छः बजे के समय में टाइम मिलता है फिर जो है सांध के समय फिर पशु आने लगते हैं फिर उनकी देखभाल करना कुकिंग करना तो पूरा व्यस्त हो जाते हैं तो ऐसे ही जो है माता संध्या के समय अपना जो है कपड़े नहा थोड़ा सा सफाई नहा धो करके और स्व क्या नाम स्वच्छ कपड़े पहने नए कपड़े पहने नए कपड़े पहन करके जो है उन्होंने जो है क्या नाम है एक आरती की प्लेट सजाई और आरती की प्लेट सजा करके रख दिया लेकिन लाला को कुछ बता नहीं लाला जो है वहाँ आंगन में दूर खेल रहा था आज वो भी जो है बच्चों के पास में अपने सखाओं के साथ में बार खेलने के लिए नहीं गया जबकि बलराम अपने सखाओं के साथ में बार खेल रहे ले हैं लेकिन आज वो ही जो है मटकियों से इधर से उधर लुड़का रहा है और उनमें बच्चा वो खेल रहा है तो इस प्रकार जो है भगवान वहां पर मटकों के साथ में खेल रहे हैं और उधर सूर्य भगवान हालांकि उनका अस्त होने का समय हो गया है लेकिन चूंकि भगवान की लीलाओं को देखते 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 इतना आनंद आ रहा है कि वो भी मानो अस्त नहीं होना चाहिए बार बार झाक के थोड़ा सा और देख लो थोड़ा सा और देख लो थोड़ा सा और देख लो तो वो भी जो है, है अभी अस्त नहीं हो पा रहे इधर कन्हैया की दृष्टि जो है मैया पे पड़ी और मैया ने कहा रे लाला मैया ने कहा लाला तू जा बच्चों के साथ में खेल करके आ तब तो उन्होंने कन्हैया ने कहा कि नहीं मैया मैं तो यहीं खेलूंगा बोला क्यों तू यहाँ खोले खेलेगा जा सारे सका तो तेरे बाहर खेल रहे हैं तू वहाँ जाकर करके खेल नहीं मैया मैं तो यहीं खेलूंगा तू तू ये बता पहले तू कहाँ जा रही है तो उन्होंने कहा कि मैया ने कहा कि बेटा मैं कहीं नहीं जा रही मैं तो यहीं हूँ नहीं मैया तू सज धज करके तो कहीं जा रही है लगता है मेला देखने के लिए जा रही है बोला तू बदमाश ऐसे समय में मेला कहाँ है आज अभी कार्तिक का चल रहा है, है हालांकि मेला जैसा लग रहा है लेकिन अभी तो कोई ऐसा वो है नहीं तो नहीं तू बता कहीं ना कहीं तो जा रही है जब देखा कि जिद पकड़ेगा और मानेगा है नहीं इसलिए उन्होंने बता दिया कि मैं जमुना की वो देखो मैं जमुना मैया की पूजा करने के लिए जा रही हूँ इसलिए तू जा बाहर जा कर के खेल तो कन्हैया ने कहा मैया तू जमुना पूजा के लिए जा रही है तो तो अवश्य ही मैं जो है मेरे को जाना होगा बोला तुझे क्यों जाना होगा बोला मैया तू पूजा करेगी तो मैं देखूंगा नहीं अरे तू बच्चा है तू क्या देखेगा उधर जा करके अरे मैया क्या क्या मैं बड़ा नहीं हूँ मैं ऐसे ही बच्चा रहूँगा हमेशा और देख तू मुझे बताएगी नहीं तो फिर आगे चला करके मैं कैसे पूजा करूंगी इसलिए तब तो मेरे को अवश्य अब ही जाना होगा क्योंकि सीखना पड़ेगा ना मैया मुझे तो तब जो है मैया ने देखा अब इसको जो ज्यादा कुछ करेंगे तो ये मानने वाला है नहीं इसलिए क्या किया उन्होंने साथ में ले लिया लेकिन मैया ने उसको समझाया कि देख वहाँ जा करके उधम नहीं करना और पास में ही रहना कहीं इधर उधर नहीं भागना तब उन्होंने कहा ठीक है मैया तो मैया चली थाली लेकर के और कन्हैया ने मैया का जो है पल्लू पकड़ लिया है आगे आगे यशोदा मैया चल रही है और पीछे पीछे कन्हैया जो है चले जा रहे हैं ये भगवान कभी भी अपने भक्तों से आगे नहीं चलना चाहते हमेशा भक्तों के भगवान पीछे रहते हैं तो इस प्रकार भगवान जो है और मैया दोनों कहाँ पहुँचे जमुना जी पे पहुँच गए और अभी संध्या का समय हो चुका है लगभग सूर्य अस्त हो गया थोड़ा सा अंधकार हो गया क्योंकि सर्दी का समय तो इसलिए थोड़ा अंधकार जल्दी होता है तो वहाँ भी जो है थोड़ा अंधकार में है और वहाँ हजारों की संख्या में ब्रज ब्रजवासीगण क्या करें? मतलब कर रहे हैं मतलब दीपदान कर रहे हैं कोई आरती कर रहा है कोई जमुना जी को प्रणाम कर रहा है असंख्य जो है दीपक उसमें क्या कर रहे हैं जैसे च, जैसे का जैसे पूर्णमासी के दिन कार्तिक महीने में जैसे चंद्रमा और जो है तारे टिमट मारते रहते हैं ऐसे जो है उस जमुना में असंख्य दीपक टिमट मारे हैं जैसे आकाश में जो है अनंत धारा गणा टिमटे मारा हो, बहुत सुंदर वो है मैया ने जा के यमुना जी को प्रणाम किया यमुना जी को प्रणाम करके जो है उन्होंने दीप को दीप को जलाया और दीप को जला करके आँख बंद करके उनकी जो है पूजा करने लग गई और इधर मैया तो पूजा कर रही है अब कन्हैया थोड़ी कोई वहाँ रुकने वाले थोड़ी पूजा देखने के लिए अब जो है, है वहाँ से वो चले चले तो जा करके आगे चले गए मैया ने जो है पूजा करके और प्रणाम किया प्रणाम करके जब आंखें खुली आंखें खोल करके तुरंत अंधकार उनको जैसे लगा तुरंत तुर लाला को देखा तो लाला है ही नहीं तो उन्होंने कहा लाला ओ लाला तो लाला वहां होता ना बोले के लाला तो लाला तो बहुत दूर जा करके के जो है जमुना में घुसा हुआ है तो मैया ने कही ओ लाला तू किधर है तब जो है दूर से जाकर के बोला मैया मैं तो इधर हूं मैया ने देखा जमुना में गुस्सा हुआ है जमुना तो उस समय बहुत उसमें रहती थी है बहुत लंबी लंबी उसमें लहरें उठती रहती थी बहुत, बहुत भयंकर उनका रूप था तब तो मैया डर गई तो मैया ने कहा रे तू वहाँ करके आ रहा है बाहर आ देख वहाँ पर हुआ है हुआ जा करके खा जाएगा तुझे भागा हाउ बिलाऊ आप देखे होंगे जो है हाउ बिला मन में कही मैया तो किस हुआ की बात कर रही है अरे नरसिंह क्या नाम है क्या नाम नरसिंह रूप में मैंने बड़े-बड़े हहुआओं को जो है वो कर दिया था लाइन पे लगा दिया था उससे बड़ा और कौन सा हुआ हो सकता है <laughs> और एक कौन सा हुआ आ गया तब जो है मैया ने कहा अरे तू नहीं आ रहा कर देख उसमें सांप रहता है खा जाएगा तुझे

अरे इतने हजारों दीपक बह बह करके जा रहे हैं तू और कितना दूर दूर से बह करके जा रहे हैं तो किस किस को दीपक को जो है किनारे से लगाएगा और आगे जाएगा तो तू बह जाएगा उनके साथ साथ में निकल करके आ तो कन्हैया ने फिर एक बात कही है, इसी बात को कह करके हम समाप्त करेंगे कन्हैया ने कहा मैया इतने दीपक जो बह करके जा रहे हैं जो मेरे नजदीक आ जाता है जो मेरे, जो मेरे सामने आएगा उसको मैं कभी भी बह करके नहीं जाने दो तो। लेकिन जो दूर से बह करके जा रहा है उसको मैं कभी भी रोकूंगा नहीं वो जाना है उसको जाने दो और इस प्रकार भगवान कह करके मैया ने जा करके लाला को जो है गोदी में लिया गोदी में लेकर के जो है अपने घर की तरफ चल पड़ी हरे प्रभुपाद की जय तो ये स्वलीला जो जो तो उसमें ब्रजवासी लोग क्या करते हैं उस कुंड में डुबकी डुबकी मारते रहते हैं और मारने दो भाई हम समाप्त कर दें क्योंकि हम ये अच्छा है भगवान की लीलाओं में वो आनंद ले रहे हैं हम भी चाहते हैं ठीक थैंक यू हरे कृष्णा तो सर्वप्रथम हम जो है आप सभी से बहुत ही आप क्या नाम है प्रार्थना करते हैं कि हम जो भी गलती हुई हो तो उसको क्षमा करने का विशेष करके हम शंकर निताई प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जो भी है हम आप सभी से जो है आशीर्वाद की और क्षमा याचना की कृपा चाहते हैं आप हमें क्षमा करना हरे कृष्णा चल प्रभुपाद की दामोदर अष्टकम की निताई गौर प्रेमनंदे